और मैनपुरी लाखों वोटों से जीत गए कि नहीं जीत गए। और जब इन्हें कन्नौज वालों को लगा कि हम लोग जीत जाएंगे, हम मंदिर में चले गए दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए, बताओ इन्होंने मंदिर धोया कि नहीं धोया, बताओ ये पता है आपको कि नहीं पता है कि जिस मंदिर में हम गए उस मंदिर को धुलवाया इन्होंने कि नहीं धुलवाया। लेकिन हम बधाई देंगे कन्नौज की जनता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाट डाल के धोने का काम कर दिया। बताओ ऐसे लोगों को आप लोग धोगे कि नहीं धोगे? एक हमें भी धोखा देके गया है, एक हमें भी धोखा देके गया है, वो तो हमारे पूर्व मंत्री श्री रामपाल भी जीत जाते, ये हमारे मंत्री जी भी जीत जाते, लेकिन हम उनकी मीठी 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 बातों में फंस गए। बताओ ये जो मीठी बात बोलते हैं उनको धोगे अपने वोट से कि नहीं धोगे? ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह है, संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं।